हेलो एवरीवन, आई एम बैक फ्रॉम करियर मेकअप इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड्स द वर्ल्ड्स बेस्ट कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एंड एकेडमिक एग्जाम। दिस इज माई नेक्स्ट वीडियो फॉर क्लास 9, सब्जेक्ट मैथ्स एंड चैप्टर 1, नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज हम 1.4 आज शुरू करने वाले हैं। पिछले एक्सरसाइजेज में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दिया है, 1.1, 1.2 और 1.3 कम्प्लीट करवाया। आज हम लोग 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। दैट इज़ योर क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। आपने रैशनल और इरेशनल नंबर्स बताने हैं 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में। हमने इरेशनल और रैशनल कैसे फाइंड आउट करने हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमका जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, जब हमारा रैशनल, हम लोग जानते हैं कि -5 हमारा इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर को जब भी हम प्लस में लिखें या माइनस में लिखें या मल्टीप्लाई में लिखें या डिवाइड में लिखते हैं ना, तो वो हमारा इरेशनल नंबर बन जाता है। पूरा नंबर जो है हमारा क्या बन जाता है, इरेशनल बन जाता है। ये बात याद रखना आप लोग। मैंने क्या बोला, कोई भी इरेशनल नंबर को जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिविजन में लिखते हैं तो वो पूरे पूरे नंबर को इरेशनल बना देता है। अब √5 जो है हमारा इरेशनल नंबर है, सो हमने 2 - √5 लिखना है, तो ये पूरा का पूरा इसको क्या बना रहा है, ये सारा कंप्लीट इरेशनल नंबर हो गया। सो इसका आंसर आ जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, मैंने आपको जो चीज़ बताई वो क्या बताई, मैंने बोला इरेशनल नंबर में अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन लगा हो तो कंप्लीट नंबर को इरेशनल नंबर बना देता है। इसलिए हमारा 2 - √5 ही इरेशनल नंबर होगा। गेट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्या पार्ट है ये, 3 + √23 - √23। आप √23 देखिए, हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको अगर मैं खोलूंगी बिना तो ये आ जाएगा 3 + √23 - √23। प्लस माइनस कट गए तो 3 बच गया हमारा, बच गया ना। सो ये क्या बन गया हमारा, ये रैशनल नंबर बन गया। क्या बन गया, रैशनल नंबर 3 हमारा क्या बन गया, रैशनल नंबर। नाउ पार्ट थर्ड क्या आ जाएगा हमारा, कह रहा है कि 2 √7 - 7 √7। ठीक है, √7 ये ऐसे आ जाएगा, 2 √7 - 7 √7। तो कैसे लिखेंगे इसको, 7 को √7 के साथ, दोनों को काट दिया, √7 को √7 के साथ, ये आ गया आपका 2/7 जो है आपका रैशनल नंबर, जो क्या है आपका रैशनल नंबर। मैंने क्या किया, मैंने 2 √2 - 7 √7 का √7 को साथ √7 काट दिया, मेरे पास बचा 2 √7 जो बन गया हमारा रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है 1 √2। 1 √2 को अगर मैं इसको 1 √2, मैंने पहले क्या बोला, इरेशनल नंबर्स को अगर डिवाइड में लिखेंगे मल्टीप्लाई, क्या बोला था मैंने, इरेशनल नंबर को प्लस में लिखो, माइनस में लिखो, मल्टीप्लिकेशन में लिखो, डिवीजन में लिखे, वो क्या पूरे नंबर को क्या बना देता है, इरेशनल नंबर। ये आगे फर्दर सॉल्व आउट नहीं होता, मैं अगर आपको इसको सॉल्व आउट करके बताऊँ तो बाय रैशनलाइजिंग से हो सकता है, ये रैशनलाइजिंग से करके देख लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, 1 √2 × √2 / √2। पता है ना रैशनलाइजिंग में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं हम लोग, ये आ जाएगा √2/2, यानी ये क्या बन गया, फिर से √2/2 जो है हमारा इरेशनल नंबर होगा। ओके, ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट पार्ट आ गया आपका पार्ट नंबर 5th, 1 √2, ये रिपीट हो गया हमारा। फिफ्थ आ गया हमारा 2 आ गया पाई। हम लोग पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, इरेशनल वैल्यू होती है पाई। पाई की वैल्यू हमारी इरेशनल नंबर होती है। सो पाई की वैल्यू अगर इरेशनल नंबर हो रही है, मल्टीप्लीकेशन में क्या रूल फॉलो करना है, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, पूरे नंबर को क्या बनाता है, इरेशनल नंबर। अगर पूरे नंबर को इरेशनल नंबर बनाता है तो ये हमारा 2 √π क्या बन जाएगा, हमारा 2π जो है वो क्या बन गया हमारा, ये बन जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। क्या बन जाएगा, ये
इरेशनल नंबर। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर वन यहीं पे फिनिश हो जाता है हमारा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज 1.4। क्या एक्सरसाइज का क्या क्वेश्चन है? सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 3 और फिर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 2। तो इसमें सिंपली हमने क्या करना था, हमने यहाँ पे सिंपली करना है इसको मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लिकेशन यानी हमारा आ जाएगा, हमने 3 को इन दोनों के साथ करना है, 3 को इन दोनों के साथ करना है और अंडर रूट 3 को भी इन दोनों के साथ लिखूंगी। सो मैं लिखूंगी यहाँ पे 3 ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 2। करिए मल्टीप्लाई, 3 2 6, 3 अंडर रूट 2 प्लस, इसको इसके साथ किया 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 2 अंडर रूट 6। अब देखिए फर्दर ही आगे मूव होता है, आगे ये सॉल्व आउट हो जाता है, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। या आपका आंसर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 6, यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 है, यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 है प्लस अंडर रूट 6, तो आपका पार्ट का आंसर निकलेगा ये। ओके, नाउ पार्ट सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? 3 प्लस अंडर रूट 3 3 माइनस अंडर रूट 3। यहाँ पे अगर हमको याद हो तो हमारी एक आइडेंटिटी बनती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, जो बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा हियर ए इज इक्वल्स टू 3 एंड बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। सो इसको लिखिए इस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में, तो 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, 3 3 9 हो गया, 9 माइनस 3 इज दैट गिव्स अस 6। सो आपका आंसर आ गया 6। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका? 6 आंसर आ जाएगा। कैसे किया मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, वो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ए आ गया हमारा क्या आ गया, ए आ गया हमारा 3 और बी आ गया हमारा अंडर रूट 3। सो 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये आ गया 9 माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू 6। ओके, नाउ मूव करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ ऑफ सेकंड क्वेश्चन। क्या है थर्ड पार्ट हमारा? हमारा थर्ड पार्ट है अंडर रूट 5, ये अंडर रूट 5 है भाई, ये अंडर रूट 5 आ जाएगा इसके ऊपर, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अगेन आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हेयर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा अंडर रूट 5, बी आ जाएगा अंडर रूट 2। सो ये किसके बराबर हो गया? ए स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी 5 इंटू बी यानी 2। तो ये आ गया आपका इसका स्क्वायर रूट इसके साथ 5 प्लस इसके साथ प्लस 2 प्लस 5 2 10। सो ये आपका आंसर क्या निकल जाएगा? ये आंसर निकलता है 5 प्लस 2 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ठीक है, क्या किया मैंने? मैंने सीधा आइडेंटिटी लगाई, मेरा था अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए आ गया अंडर रूट 5, बी आ गया अंडर रूट 2। सो ए का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट गया 5 का तो 5 आ गया, 2 का भी अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट गया तो 2 आ गया, 2 का आ गया यहाँ पे 5 2 10। तो ये दोनों को आपस में प्लस किया मैंने, 7 प्लस 2 अंडर रूट 2 आपका आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन पार्ट फोर्थ ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। क्या आ जाएगा हमारा? हमारा 5 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 5 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पे अगेन वही आइडेंटिटी, कौन सी जो सेकेंड पार्ट में हमने लगाई, क्या थी? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के बराबर। तो करिए ज़रा, इसको एक्सपेंड करेंगे, हेयर ए इक्वल टू
किसके बराबर? 5 के बराबर हो जाएगा, b इज इक्वल टू अंडर रूट 2 के बराबर। सो इसको लिखिए a स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, इसका आ जाएगा 25 माइनस इसका अंडर रूट इसके साथ कट गया, ये आ जाएगा सॉरी 25 माइनस 2, यह आ जाएगा आपका 23 इज योर आंसर। ठीक है, 23 इज योर आंसर। एक और पार्ट अगर मैं खुद से करवाऊँ आपको तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा, अगर मैं करवाऊँगी अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। सो इसमें इसको कैसे करेंगे, इसको भी मैं लगाऊंगी a माइ प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। सो हियर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारा अंडर रूट 5, बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो ए आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। ओके, इस पार्ट में क्या किया था, मैंने अंडर रूट नहीं लगाया था, इस पार्ट में मैंने अंडर रूट लगा के उसको फाइंड आउट कर दिया था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, इस वाले क्वेश्चन में आपकी आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है। आइडेंटिटीज कौन सी लगी थी, सिर्फ दो तरह की आइडेंटिटीज लगी थी, एक लगी थी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और एक है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, so that's all for the day, thank you so much. If you have any query please let me know, please ask me, please do like and subscribe meri video ko, mujhe pasand meri video ko like kariye, subscribe kariye please, thank you so much, take care.